एजुकेशन एक धोखा है जिसके साथ बचपन से हमारा रोका है, फालतू विषयों में बेवजह दिमाग फोड़ा है, इसीलिए आज हमने ये रिश्ता तोड़ा है। नमस्कार। वैसे मैसेज तो काफी सिंपल है, लेकिन क्या करें, सिंप्लिसिटी का तो जमाना नहीं और एंटरटेनमेंट के बिना कुछ चलता नहीं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करती हूँ देश के तीन बड़े सवाल। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? स्कूलों में इतनी सख्ती क्यों है? एग्जाम से इतनी फटती क्यों है? तो चलिए मेलेडी खाकर गौर करते हैं बाकी दो सवालों पर। डिंग 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 डिंग, स्कूल की घंटी बजी और बच्चों की बैंड बजी। कतार में खड़े बच्चे विद फिंगर ऑन देयर लिप्स, but if you can't keep quiet तो पड़ेगी छड़ी on your hips। पोर्शन कंप्लीट करने के चक्कर में रिवाइज टाइम टेबल कुछ ऐसा सेट किया, पीटी पीरियड कर दिया हफ्ते में एक बार और बोरिंग हिस्ट्री क्लास दिन में दो बार। फिर क्लासरूम को ही प्लेग्राउंड बनाकर जब कुछ शरारती बच्चों ने कर दी थोड़ी उछल कूद, तो डिसिप्लिन के नाम पर दे दो डायरी में रेड रिमार्क या फिर लगाओ चाटा या फटकार। लेकिन अगर कहते हो कि बच्चों को मारने पर लगा दिया है रोक, तो चलो कुछ एंटरटेनिंग पनिशमेंट ही देकर निकाल लो अपनी भड़ास। मुर्गा बनाओ, उठक बैठक कराओ, क्लासरूम के बाहर धूप में तपाओ, थमा दो ऐसे या फिर दिलवा दो सस्पेंशन लेटर। मोबाइल फोन्स को कॉन्फिस्केट करो और खुद इंटरनेट से नोट्स बनाओ। अब ये स्कूल है या जेल, कोई मुझे समझाओ। टॉपर्स का फोटो स्कूल मैगजीन के कवर पेज पर, एवरेज बिलो एवरेज बच्चों को भर दो आखिरी पेज पर। फिर बोर्ड्स का रिजल्ट हर साल शत प्रतिशत, फेलियर्स का नहीं कोई फेस क्योंकि उन्हें तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में ही कर दिया आउट ऑफ रेस, छोड़ दिया उन्हें बेसहारा क्योंकि स्कूल का स्टेटस है बच्चों के फ्यूचर से प्यारा। एजुकेशन के नाम पर रटी रटाई किताब पढ़ा दो, फिर मार्क्स की कंपटीशन में उसका सारा सेंस गवा दो। अरे सिलेबस भी कभी थोड़ा अपडेट करा दो। बैटल ऑफ पानीपत के अलावा डीमोनेटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, पेट्रोल के दाम पर लगातार हाइक जैसे मुद्दे भी समझा दो। बिना किताबों के बने ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूथ एंटरप्रेन्योर्स, ट्रैवल स्टोरी टेलर्स के किस्से भी शामिल करा दो। या फिर चर्चा करो ऐसे विषयों पर जैसे केरला में बाढ़, सामने ढाल बने जाबाज सैनिकों की दहाड़, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ सपूतों की गुहार जिससे हमारा यूथ तय कर सके आर या पार। लेकिन यहाँ दृश्य कुछ ऐसा है, अगर पूछ लिया किसी बच्चे ने आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल, तो शट अप बोलकर बंद करवा दो उसका बवाल। लेकिन एक बार इन प्रश्नों पर थोड़ा गौर कर लिया होता और इस मुसीबत से अपना मुंह ना मोड़ लिया होता, तो अपना गुरु शायद कुछ मंद होता, लेकिन इन जागरूक बच्चों का हौसला कितना बुलंद होता। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो, कुछ तो उन पर रहम करो, यू ना इंसानियत का दम भरो, अपने फर्ज पर भी कुछ मन करो। कभी प्यार से बैठकर पूछा है इन बच्चों से कि उन्हें क्या करना पसंद है या क्या तकलीफें हैं, या बस बेरहमी से कर दिया बंटवारा कुछ ऐसा, डिस्टिंक्शन है नबाव पाने वाले बच्चों को ए और बी क्लास में डाल दिया और एवरेज बिलो एवरेज बच्चों को सी और डी। ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन का खेल तो बच्चे स्कूल में ही सीख गए जब उनके कई अच्छे दोस्त इन मार्क्स और नंबरों के खेल में उनसे बिछड़ गए, जब स्कॉलरों ने स्कॉलरों के साथ कंधे से कंधा मिला लिया, तब कई डफरों ने अपने दोस्तों के साथ अपना आत्मविश्वास भी गवा दिया और डफरों से ही सपने देखना सीख लिया। इंडिपेंडेंस डे पर बैंड बाजा परेड, स्पोर्ट्स डे पर नींबू चम्मच रेस, एनुअल डे पर म्यूजिक डांस ड्रामा और सोशल मीडिया पर इसका बड़ा हंगामा। कभी पूछा है इन बच्चों से कि इससे क्या सीख मिली, क्या सही मायनों में हमें आजादी मिली? आजादी तो तब मिलेगी जब हम बच्चों को कंपलसरी अटेंडेंस से कैद ना करें, फिर भी वे हर सुबह कुछ नया सीखने की चाह लेकर खुशी खुशी सहज भाव से स्कूल आए और हर एक क्लास बोरिंग भाषण ना लगे बल्कि सबके मन को भाए, तब हम कह पाएंगे कि सही मायनों में हम आजादी लेकर आए। एक बार इन पाबंदियों से दरगुजर कर लो, फिर शायद इन बच्चों से भी कुछ नया सीख लो। बच्चों को इन चार दीवारियों और बंद कमरों से मुक्त करा दो और कुछ पल खुले मन से खुले आसमान तले फिरा लो। चलो आज कुछ अलग करते, स्कूल के रूल्स को लंबी छुट्टी देते हैं और फिर बचपन की यादें ताजा करते हैं। चलो आज बारिश में बच्चों को बिना कोई रोक टोक भीगने देते हैं, कागज की कश्तियों को तरंगों में बहने देते हैं,
चलो आज उनकी काबिलियत और कॉन्फिडेंस पर चढ़ी धूल को साफ करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस एंड मार्क्स और नंबरों के खेल से है परे, जिससे वे अपनी क्षमता और अपने अनोखे हुनर से साबित कर जिंदगी में नए मुकाम हासिल करें। लेकिन अगर इतना भी ना कर सके तो क्षमा कर दो, अपना इस विद्यालय नाम का पढ़ाई का कारोबार बंद कर दो और कोई नई सोच, नई उम्मीदें, नए हौसले बुलंद कर दो, वरना वही सिलसिला जारी रहेगा। डिंग 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 डिंग, स्कूल की घंटी बजी और बच्चों की बैंड बजी।